में से कुछ लोग ये जान करके कि हम लोग जहां अपने लोगों को मिलने के लिए आए हैं, शाबाश कहने के लिए आए हैं, पुलिस और आर्मी की ज्वाइंट टुकड़ी को जिन्होंने कल बहुत अच्छा कामयाब ऑपरेशन किया है, और आप लोग ये जान करके श्रीनगर से कुछ लोग जहां पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि 3 रोज पहले जो करीरी बारामूला में ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए थे, उसमें नॉर्थ कश्मीर का लश्कर तौबा का सबसे बड़ा जो कमांडर लश्कर तौबा का सजाद हैदर मारा गया था, जिसके साथ उसका पाकिस्तानी साथी उस्मान मारा था और लोकल साथी अनायतुल्ला उसमें मारा गया था। ये एक 2-3 ग्रुप थे जो मिलकर के आपस में काम करते थे लश्कर तौबा के। सजाद का दूसरा साथी जो एक अलग ग्रुप लेकर के अलग अलग आतंकी कार्रवाइयों को इस पूरे नॉर्थ कश्मीर के अंदर चला रहा था, उसका नाम नासिर था, जिसको नासिरुद्दीन भी कहते हैं, जिसको अबू साद भी कहते हैं। और मान लीजिए कि सजाद हैदर से दूसरे नंबर पे जो लश्कर तौबा की कमांड स्ट्रक्चर में जहां पर आता था वो नासिर था, अबू साद था। और जू ही 3 दिन पहले करीरी के ऑपरेशन में सजाद हैदर मारा गया, इमीडिएटली बाद इसको उसकी जगह पे नॉर्थ कश्मीर की लश्कर की पूरी कमांड दी गई थी। और जिस तरीके से उसका साथी सजाद का उस्मान चलता था, इसका साथी साथ में यहां पर जो आतंकी कार्रवाइयों को चलाने के लिए इसके साथ साथ हमेशा रहता था, वो दानिश भाई था। तो ये दो मिलकर के अलग अलग तरह की आतंकी कार्रवाइयां, और आपको याद होगा जहां अप्रैल में मई में इस तरह के अटैक हुए, वनगाम हंदवाड़ा में, सोपोर में सीआरपी के ऊपर 2 हमले हुए, जहां दोनों जगह पे सीआरपी के 3-3 जवान मारे गए। उसके बाद फिर एक हमला हुआ, उसमें सीआरपी का 1 जवान मारा गया। उसके अलावा एक अटैक में हमारा एसपीओ शहीद हुआ और उसके साथ 1 सिविलियन की भी डेथ हुई। खूंखार आतंकी दहशतगर्द यहाँ पर बन के उभरा और एक के बाद एक अटैक इसने किया। आपको ये भी याद होगा, आपकी नॉलेज में, आपकी शेयरिंग में आया कि नहीं आया, जो सुपर में अटैक इसने किया था उसकी लाइव वीडियो हमारे पास मौजूद थी, जो कुछ मीडिया सर्कल्स में भी गई होगी, कैसे नाका पार्टी के ऊपर इसने बिल्कुल पीछे आकर के, जहां गाड़ी की खिड़की खुली थी उसके पीछे बैठ करके पोजीशन लेकर के अटैक किया, और उसके अंदर 3 सीआरपी के लोग मारे गए थे। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो आईजी साहब के पास अभी भी वो मौजूद है वीडियो, क्योंकि वो वीडियो उसी के ऊपर लगी हुई, गाड़ी के ऊपर लगे हुए कैमरे के अंदर वो वीडियो कैद हुई थी, और अभी तक उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है कि नासिर ने वो अटैक सुपर में कैसे किया, जिसमें सीआरपी के 3 लोगों की हत्या हुई। मैं जो समझता हूँ कि पिछले 4 रोज के अंदर 3 जगह पे जो ऑपरेशन हुए, कल एक साथ ही साथ ऑपरेशन शोपियां में भी चल रहा था, जिसमें एक आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का मारा गया, तालिब हुसैन, 3 आतंकी करीरी में जो 3 दिन पहले इनकाउंटर हुआ उसमें मारे गए, और ये 2 आतंकी जहां पर मारे गए, इनमें से 4 दहशतगर्द जो है वो ए और ए प्लस लेवल के हैं, यानी टॉप कैटेगरी में जो आते हैं। अगर कश्मीर के पूरे लोगों के टॉप 60 की लिस्ट आप निकालें तो टॉप 10 में या टॉप 20 में होने आने वाले जो 4 कमांडर इसके अंदर मौजूद हैं। इस तरह का जो ऑपरेशन पुलिस और